सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान की अब तक बॉलीवुड में 2 फिल्में ही रिलीज हुई हैं, लेकिन करियर की शुरुआती दौर में ही सुपरहिट फिल्म बागी 3 का हिस्सा बनने से उन्होंने मना कर दिया। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिम्बा ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर पट रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, लेकिन रणवीर सिंह के मुकाबले उनका फिल्म में बेहद छोटा रोल था। सिम्बा में सारा अली खान भी मुश्किल 15 मिनट ही पड़े पर्दे पर नजर आई। अगर बागी 3 में भी उनका किरदार टाइगर श्रॉफ के बराबरी का नहीं रहा तो उनके फिल्मी करियर पर सवाल खड़े हो जाएंगे। यही वजह है कि उन्होंने बागी 3 में काम करने से साफ इनकार कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक सारा अली खान अब फिल्म का चुनाव बेहद सावधानी से कर रही हैं। वो चाहती है कि फिल्मी पर्दे पर वो दमदार किरदार के साथ दिखाई दे और दर्शकों को उनका अभिनय पसंद आए। वैसे आपको बता दें कि सारा ने अपने करियर की शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म केदारनाथ से की थी। केदारनाथ भले ही सारा की पहली फिल्म थी, लेकिन उनके अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। बड़े पर्दे पर सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की जोड़ी अच्छी भी लगी। यह फिल्म पिछले साल 28 दिसंबर को रिलीज हुई थी। अब देखना दिलचस्प रहने वाला है कि टाइगर श्रॉफ के अपोजिट कौन सी एक्ट्रेस कास्ट होती है, क्योंकि सारा अली ने तो उनको साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, आप किसे बागी 3 में देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबरें मिलती है सबसे पहले।